ऐसा लगता है कि बिग बॉस अब चाहते ही नहीं कि प्रियंका अंकित साथ रहें, क्योंकि जब इन्हें एक साथ शो पर साइन किया गया था तो बिग बॉस को लगा था कि तेजरन सिबनास वाली केमिस्ट्री बनेगी, आसिमांशी पाहरा वाली बात निकल कर आएगी, रुबिनव वाली बात होगी, जसली वाली बात होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं निकली। उल्टा अंकित इतने ज्यादा शांत हैं कि प्रियंका पर इल्जाम लग रहे हैं गेम खराब करने के। वहीं अंकित भी प्रियंका के साथ क्योंकि पूरा दिन रहते हैं तो बाकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही, प्रियंका भी किसी और के साथ दोस्ती नहीं करती है, सिर्फ अंकित के साथ ही बैठी रहती है। तो वो घर 16 लोगों का है, आपको 16 के 16 लोगों से बातचीत करना जरूरी है, तभी आपकी बॉन्डिंग होगी। भले ही बात करने के बाद आपकी उनके साथ पटे नहीं और फिर आप अलग हो जाए, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप बात तो शुरू कीजिए, आप बनाइए तो सही बॉन्डिंग। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तेजरन माफ कीजिएगा, इस वक्त प्रियंकित जो है उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, कलर्स और एंडमॉल पर एलिगेशन लगाया गया है कि आप जानबूझकर, या तो अब आप प्रियंकित को शो से निकालना चाहते हो इसीलिए आप जानबूझकर लाइव फीड से और एपिसोड से हर वो फुटेज कट कर रहे हो जहां प्रियंका अंकित साथ में बैठे हुए हैं, यही इल्जाम इस वक्त उन पर लगाया गया है और बाकायदा वीडियो भी दिखाया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि अंकित चलकर आ रहे हैं, ठीक है, वो जो साइड में उनका बेड वाला पोर्शन है वहां से अंकित और अंकित चलकर आ रहे हैं, प्रियंका लेटी हुई है, अंकित प्रियंका के पास बात करने जाते हैं, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और फिर बिग बॉस के एक पुतले पर कैमरा रहता है। फिर जब अंकित प्रियंका से बात खत्म करके आगे निकल आते हैं तब वापस सीन वहां से रिज्यूम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रियंका और अंकित जहां साथ में बात कर रहे हैं वो दिखाना ही नहीं चाहते। देखिए ये यहां पर आप देखिए अंकित चलकर आ रहे हैं, ये सीन इन्होंने हटा दिया, अब देखिएगा फिर वापस लगा देंगे, ये देखिए क्योंकि अंकित यहां से अब निकल गए। यहां पर प्रियंका ये बैठी हुई हैं, अंकित वहां से चलकर आते हैं, शुरू से आप अभी देखिएगा दोबारा, ये देखिए अंकित वहां से चलकर आ रहे हैं, सीन कट, क्योंकि उतनी देर वो प्रियंका से वहां पर बात कर रहे थे, अब वो बात करके आगे बढ़ते, ये देखिए जैसे ही वो आगे बढ़े फिर वापस सीन दिखा दिया। तो वो पोर्शन एग्जैक्टली क्यों कट किया, क्योंकि आपको एब्रप्ट नहीं लगा काफी ज्यादा कि जैसे ही अंकित वहां आए प्रियंका से बात करने लगे कुछ, तो भी प्रियंका लेटी थी वहां पर, वैसे ही सीन कट हो गया और ये पुतले की फोटो आने लगी। जैसे अंकित वापस चलने लगे वैसे ही वापस से सीन आपने वहीं से रिज्यूम कर दिया। तो ये क्यों कर रहे हैं आप, इस बात पर फैंस कहते हैं हाँ जी हो गया इनका नाटक चालू, वूट हाइडिंग प्रियंकित, जब भी साथ दिख रहे हैं कट करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। आगे वो कहते हैं कि ये तो गालियां खाने के लायक है वगैरह वगैरह। व्हाई दे आर अगेन कटिंग प्रियंकित मोमेंट गाइस, एंडमॉल हैज अ टिफ विद कलर्स रिगार्डिंग देयर शो, सो दे आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू कट फ्यू न्यू फैंस ऑफ प्रियंकित फ्रॉम कमिंग। जी हाँ, यानी कि लगातार हरकतें और कोशिशें यही हो रही हैं कि प्रियंकित को दूर रखा जाए जनता की नजरों से। पर क्यों, क्या आपको ये किसी तरह की चाल लग रही है या साजिश, बताइएगा जरूर।